मम्मी कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, सब लोग मजे में होंगे। तो आज मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पर एक बहुत ही मजेदार सी रेसिपी बनाने लगी हूँ। आज हम बना रहे हैं आपके लिए हंटर बीफ। हंटर बीफ या बीफ हंटर जो आप लोग कहना चाहें, वैसे ज्यादातर लोग इसको हंटर बीफ कहते हैं। चलिए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं और मैं बताती हूँ कि हंटर बीफ बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की जरूरत होगी। सबसे पहले ये मैंने यहाँ पे बीफ का बोनलेस आप बोटा कह सकते हैं, ये 1.5 किलो का होगा। इसमें मैंने देखे गहरे गहरे कट लगा लिए ताकि जो भी मैं मसाला लगाऊँ वो खूब अच्छे से अंदर तक चला जाए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये सिरका लिया है, ये 3 टेबल स्पून भर के हमने सिरका लिया है। सिरके के बाद यहाँ पर हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, 3 टेबल स्पून खूब भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। साथ में ये मैंने 7 से 8 लाल मिर्चें हैं हमारे पास, साबुत लाल मिर्च, जिनको मैंने आई गेस 10 मिनट तो इसको हो गए, मैंने इनको भिगो के छोड़ा हुआ। अभी मैं इनका अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी, गाढ़ा गाढ़ा सा। उसके बाद यहाँ पर मैंने ये टिक्का मसाला लिया है, शान का टिक्का मसाला है ये 2 टेबल स्पून है भर कर। उसके बाद हमारे पास सोया सॉस है, 1 टेबल स्पून खूब भर के है। पिसी हुई काली मिर्चें हैं 2 टेबल स्पून भर के। यहाँ पे मेरे पास नमक है, आप इसको 1.5 टेबल स्पून समझ लें, नमक होगा 1.5 टेबल स्पून। और यहाँ पर हमारे पास सोया सॉस है, ये भी हमारे पास 2 टेबल स्पून खूब भर कर है। तो ये हो गए सारे हमारे स्पाइसेस। यहाँ पे सिरका, लाल मिर्चें साबुत जो मैंने पानी में भिगो के रखी हुई, लहसुन अदरक का पेस्ट है, नमक है, सोया सॉस है, काली मिर्चें हैं पिसी हुई, वॉस्टरशायर सॉस है, टिक्के का पाउडर है, चिकन टिक्का पाउडर है, और ये लाल मिर्चें जो मैंने पानी में भिगो के छोड़ी हुई है। बस ये गिनती की चीज़ें हैं। अच्छा, ये जो है मैंने अपने गोश्त के हिसाब से लिया, 1.5 किलो मेरे पास गोश्त है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सारी चीज़ें ली हैं। अगर आप लोगों के पास गोश्त की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो आप लोग अपनी ये सारी चीज़ों की जो क्वांटिटीज़ हैं इनको एडजस्ट कर लिएगा। तो बस अब मैं, अच्छा सबसे पहले मैं ये करूँगी, जो लाल मिर्चें मैंने भिगो के छोड़ी है मैं इनका पेस्ट बनाऊँगी, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। जी तो ये लाल मिर्चें जो थी ये मैं पीस के ले आई हूँ, मगर मुझे कुछ ज़्यादा लग रही है तो डालते हुए मैं चेक कर लूँगी कि कितनी डालूँ। तो बस अब सारे काम हो गए हैं, अब मैं सारी चीज़ें जो हैं एक साथ इस गोश्त के अंदर डाल दूंगी, उसको खूब अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अच्छा, जब मैं आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स बता रही थी तो मुझे लगता है मुझसे कुछ गलती हुई है। ये देखें, 2 काली काली हमारे पास चीज़ें हैं, एक तो हमारे पास सोया सॉस है और दूसरा जो है ये हमारे पास वॉस्टरशायर सॉस है, इससे गोश्त बहुत अच्छा गलता है। एक हमारे पास सोया सॉस है और दूसरा ये वॉस्टरशायर सॉस है। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सारी चीज़ अब हम गोश्त के ऊपर शामिल कर देंगे और इनको खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। काली मिर्चें जा रही हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नमक शामिल करेंगे, नमक के बाद हम शामिल करते हैं इसके अंदर ये जो टिक्का मसाला ये हम शामिल कर रहे हैं, लहसुन अदरक की बारी आ गई अब हमारे पास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास रह गया है ये जो हमने लाल मिर्चें पीसी हैं ये डालेंगे, इससे आप देखिएगा बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा आपके हंटर के अंदर, समझे। मेन इंग्रेडिएंट जो है इसके अंदर यही है, पिसी हुई लाल मिर्चें। हमारे पास रह गया है सिरका, सिरका भी हम ये देखें पूरा छोटा कप है मेरे पास, ये मैं सिरका तो पूरा ही शामिल करूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें सारी चीज़ें चली गई हैं, अब मैं इनको खूब अच्छे से गोश्त के अंदर मिक्स कर दूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सोच रही हूँ जो टिक्का मसाला मैंने थोड़ा बचा लिया था मैं ये भी ऊपर से शामिल कर दूँ। चलें जी, ये हो गया, सारे मसाले हमारे डन हो गए हैं खूब अच्छे से इसके अंदर। अब सवाल ये बनता है कि इसको मैरिनेट करके कितनी देर के लिए छोड़ना है। अच्छा, कुछ लोग जो हैं कहते हैं 2 दिन हम इसको मैरिनेट करके छोड़ेंगे, 3 दिन, मगर मैं इतना ज़्यादा इसको मैरिनेट नहीं करूँगी, मैं इसको बस 1 दिन के लिए समझे आप, ओवरनाइट अभी मैंने लगा दिए मसाले तो मैं इसको ओवरनाइट छोड़ूंगी, समझे 24 घंटों के लिए छोड़ूंगी, फिर इंशाल्लाह ताला अगले दिन जो हमारा बाकी का स्टेप होगा हम वो कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, एक काम के बाद मैं आप लोगों को मेंशन करना भूल गई हूँ, वो ये कि जब अब मैं इसको फ्रिज में कवर करके रखने लगी हूँ तो इसको रख के बिल्कुल भूल नहीं जाना, हर 4 घंटे बाद आप कोशिश करें कि इसको जाके मिक्स कर लें, इसकी साइड चेंज कर दें, उससे ये होगा कि मसाले जो हैं हर तरफ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। वेलकम बैक टू द चैनल, उम्मीद करती हूँ आप लोगों का दिन अच्छा गुजरा होगा। तो ये देखें, इस तरीके से मैंने कवर करके अपने बीफ को फ्रिज में रखा था और अब पूरे 24 घंटे हो गए हैं इसकी मैरिनेशन को। कल सेम टाइम पर मैंने इसको मैरिनेट करने के लिए रखा था तो बस अब टाइम आ गया है कि हम इसको पकाने के लिए रखें, और बिलीव मी इसके अंदर से बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा बहुत ही मज़ेदार सा हमारा हंटर बीफ बनने लगा है। तो बस अब मैं आगे इसके लिए पतीली निकालती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसको आगे कैसे बनाना है। ये देखें, ये अपने बीफ के अकॉर्डिंग मैंने ज़रा खुले साइज़ की पतीली ले ली है, क्योंकि अब बाकी का सारा काम जो भी होगा वो इसी पतीली के अंदर होने लगा है। तो अब सबसे पहले मैं इसके अंदर अपना बीफ शिफ्ट करती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चला गया हमारा बीफ इसके अंदर। अब ये जो बाउल में हमारे पास मसाला बचा है हम ये भी इसके अंदर डाल देंगे, साथ में अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। हमें सिर्फ इतना पानी डालना है कि हमारा जो बीफ है थोड़ा सा कवर हो जाए पानी के अंदर, ताकि इसी के अंदर गल जाए, इतने ही पानी में, बस बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, आई गेस इतना पानी काफ़ी होगा।
अच्छा, इसके साथ ही हम पानी के अंदर शामिल करेंगे, ये देखें दो लौंगे हैं हमारे पास और दो ही दालचीनी के स्टिक हैं, ये डाल देंगे खुशबू के लिए। सबसे आखिर में हम इसी के अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल के शामिल कर देंगे, ताकि ये आखिर में जब सारा पानी खुश्क हो जाएगा तो ये फ्राई भी इसी पानी के इसी पतीली में हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो ये हमारा काम डन हो गया। इसकी समरी करती हूँ मैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले मैंने इसके अंदर अपना बीफ का टुकड़ा डाला है, जो मसाला था वो शामिल कर दिया है, और इसके अंदर मैंने सिर्फ इतना पानी डाला है कि हमारा बीफ थोड़ा सा अच्छे से इसके अंदर डूब जाए और पकने के काबिल हो जाए। फिर उसके अंदर हमने 2 लौंगे डाली हैं और 2 ही हमने दालचीनी के स्टिक्स डाले हैं, 2 टेबल स्पून हमने ऑयल डाला है, और बस अब इसके अंदर बॉयल आएगा तो मैं इसको कवर कर दूंगी बिल्कुल स्लो आँच पर, जो दम वाली आँच होती है उसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो इसके अंदर बॉयल आ गया है, अब मैं इसको कवर करके छोड़ दूंगी। मिनिमम भी 1 घंटे बाद मैं इसको चेक करूंगी कि इसका गोश्त गला है या नहीं गला है। तो बस अब हम इसको कवर करके छोड़ देंगे और इंशाल्लाह ताला आपसे 1 घंटे बाद मिल। जी फ्रेंड्स, तो अभी जो है हंटर बीफ को रखे हुए ऑलमोस्ट 3 घंटे हो गए हैं, तो हम इसको चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो पानी जो है हमारी उम्मीदों के मुताबिक सारा का सारा खुश्क हो गया, आप यह देखें ऑयल जो है साइडों में आ गया है। अब मैं इसको कांटा डाल के चेक करती हूँ कि ये गला कि नहीं, वैसे मुझे लग रहा है ये गल गया होगा। ये देखें आप, ये देखें गल गया है खूब अच्छे से, अलग हो रही हैं बोटियाँ। चूल्हे को फुल आंच कर दूंगी और ये जो थोड़ा बहुत इसका पानी बचा है इसको मैं एवोपरेट कर दूंगी। ये देखें अच्छी तरीके से पानी जो है खुश्क हो गया, और आपको थोड़ा थोड़ा ऑयल इसमें दिख रहा होगा, इसका मतलब है ये खुश्क हो गया है बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब बस मैं इसका चूल्हा बंद करने लगी हूँ, इसको डिश आउट करती हूँ, आप लोगों से डिश आउट करके मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने हंटर को डिश आउट कर लिया है और ये हमारे हंटर की फाइनल प्रेजेंटेशन है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो इसको शेयर करिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल जूसी जूसी, आपने देखा गीला गीला मसाले वाला हमारा ये हंटर बना है। ये देखें कितना अच्छा इसका गोश्त गल गया है, बिल्कुल मैरिनेट जो हमने इसको करके छोड़ा था सिरके वगैरह में, इससे इसका गोश्त बहुत अच्छे से गल गया है। ये देखें कैसा अच्छा टेंडर हो गया है। टेस्ट करके बताती हूँ आप लोगों को मैं थोड़ा सा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़ेदार, एकदम चटपटा सा स्पाइसी सा हमारा हंटर बीफ बन के तैयार है। और यकीन जाने मैं अपनी तारीफ नहीं करी कि खुद बनाए तो तारीफ करूँ, वाकई में अच्छा बनाए। आप लोग रेसिपी को ट्राई करिएगा, आप लोग भी इसकी तारीफ़ करेंगे। हर चीज़ बिल्कुल अच्छी रही है, स्पाइसेस वगैरह बहुत ही स्पाइसी और चटपटा बना है, खटास भी इसमें अच्छी रही है। अब आप लोग रेसिपी को ट्राई करिएगा, इसको अपने पास बना के सेव करें फ्रिज में, बच्चों को लंच में इसके सैंडविचेस दें, टी टाइम में इसके बर्गर्स एंजॉय करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मिलते हैं एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक हमें दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।